चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां शिवपाल यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मीटिंग, शिवपाल यादव को बड़े पद की पेशकश हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां शिवपाल यादव के घर अखिलेश यादव पहुंचे हैं। मीटिंग यहां पर होने वाली है और कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव को किसी बड़े पद की पेशकश हो सकती है। यहां पे इस मीटिंग जो है जारी है। शिवपाल यादव अखिलेश यादव के घर पर पहुंच चुके हैं और कभी भी जो है ये मीटिंग खत्म हो सकती है और बड़े चीजें हमें सुनने को मिल सकती है, बड़े निर्णय हमें देखने को मिल सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं घर के बाहर और मीटिंग जो है अभी जारी है। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ सीधे वहां से लाइव जुड़े हैं। अविनाश, आगामी चुनाव है, आने वाले चुनाव है और ऐसे में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मीटिंग होना क्या मायने निकल रहे हैं इन सबके? देखिए बिल्कुल ठीक, हम आपको बता दें कि हमने अपने एमकेएन दर्शकों को पहले भी बताया था कि मकर संक्रांति के बाद जो शिवपाल सिंह यादव हैं उनको समाजवादी पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ठीक पीछे की तस्वीरें अगर हमारा आप देखेंगे तो ये शिवपाल सिंह यादव का घर है, जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव यहाँ पर पिछले एक घंटे से यहाँ पर उनके आवास पर मौजूद है। उनसे तमाम तरीके की कह सकते हैं कि मीटिंग चल रही है लगातार। जिस तरीके से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई तो उसके बाद ये कवायद लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव का खत बन जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि इससे पहले शिवपाल यादव यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं समाजवादी पार्टी में विलय होने के बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव के जो तमाम वो बड़े नेता थे, कह सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता थे, वो भी आस लगाए थे कि कब शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये कवायद लगाई जा रही थी कि शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यहाँ की तस्वीरें कुछ इस तरह के, पिछले एक घंटे से शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव उनके आवास पर मौजूद है और तमाम बैठक चल रही है कि उस बात की जो है चर्चा जो जोरों से थी। इससे पहले भी मैं अपने दर्शकों को बताया था कि मकर संक्रांति के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को मिल सकती है, तो कहीं ना कह सकते कि इस आज की इस मुलाकात के काफी बड़े मायने निकाले जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव को एक समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जी अविनाश, इस बैठक में उन दोनों के अलावा और कोई भी नेता मौजूद है पार्टी के, कोई बड़ा चेहरा पार्टी का इस बैठक में है? देखिए अगर बैठक की बात करें तो अभी केवल सपा मुखिया अखिलेश यादव इस पूरे उनके आवास पर मौजूद है। उनके साथ में जो नरेश चंद्र पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ भी कह सकते हैं कि उनके जो मतलब परिवार के जो है उनके साथ वहां पर केवल शिवपाल सिंह यादव के उनके जो बेटे हैं प्रतीक यादव, वो यहाँ इस वक्त उनके साथ मौजूद है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि जल्द ही निकाय चुनाव और साथ ही 5 सीटों पर MLC चुनाव, तो उसको लेकर संगठन की तमाम तरीके की बैठक, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग जगह पर उस चीज की तैयारी कर रही थी। लेकिन आज की इस बैठक में तमाम उन चुनावों के विषय पर चर्चा भी हो सकती है, आने वाला निकाय चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में। लगातार जिस तरीके से लोकसभा में जीत के बाद समाजवादी पार्टी अब 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर तैयारी में जुट चुकी है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज शिवपाल सिंह यादव का एक बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल सकती है। जी बिल्कुल, मतलब तैयारियों का सिलसिला हम कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है और लगभग आपने जैसे बताया 1 घंटा हो गया इस बैठक को शुरू हुए, तो अब तक कुछ खबरें निकल कर आ रही है कि कब तक ये बैठक खत्म होगी, अंदर क्या बातचीत चल रही है, इस बारे में कोई जानकारी अब तक सामने आई है? देखिए औपचारिक मुलाकात है, अभी किसी तरीके का औपचारिक ऐलान अभी या किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। हालांकि वो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अंदर बैठक में मौजूद है, 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चला है यहाँ पर उनको पहुंचे हुए, लेकिन अभी किसी तरीके कोई आधिकारिक बयान या कह लीजिए कि इस तरीके से मतलब अभी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज की इस मुलाकात के काफी अहम मायने हैं, क्योंकि निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो वो काफी अहम है, तो ऐसे कहने के कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो शिवपाल सिंह यादव को उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि सपा जो है बार पूरी तरीके से तैयार है राजनीति में अपना जो है झंडे गाड़ने के लिए।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से हमने आपको खबर बताई जहां शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात मीटिंग जो है उनके घर पर है और पिछले एक घंटे से ये मीटिंग चल रही है और बड़े निर्णय इस मीटिंग से सामने आ सकते हैं। खबरें ये भी आ रही है कि शिवपाल यादव को बड़ा पद भी मिल सकता है।